ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट होती है, इतनी सी आपने तो भाई बस यू करना होता है और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। अच्छा, कितने हो गए? कैमरामैन इस साइड पर है। अच्छा, तो कितने हो गए? इधर हम थोड़े काले काले आ रहे हैं। हाँ जी, तो बात ये कह रही थी कि मैं आप ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से, अगर आप मान ले तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। तो आज हमारा सबसे बड़ा मसला हल हो गया। यस, ठंडे पानी में नहा नहा कर हम बर्फ बन गए थे। भाई बर्फ को पिघलने के लिए हमने ये लिया है, खतरों का खिलाड़ी। इसमें खतरा तो है थोड़ा बहुत, लेकिन याद करेंगे ना तो खतरा दूर 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 तक नजर नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो भाई ये लाया हूँ मैं कल, क्योंकि ना गैस थोड़ा मसला कर रही है, कभी आती है कभी चली जाती है, और गैस वैसे भी ज्यादा, फिर ना वो गर्म पानी करने के लिए हमारे बर्तन काले हो रहे थे। मैं मतलब हमारे बर्तन काले हो रहे थे, बर्तन घिस घिस के मेरे तो ये आगे से ना उंगलों के पोटे जो है ना वो भी घिसने वाले हो गए। हाँ, फेल वाला, लेकिन फिर भी ना ये मेरी बात ही नहीं सुनते थे। हमारी एक पतीली थी उसको भी काला शाह कर दिया, फिर हमारे सालन वाला जो तसला था उसको भी काला खट कर दिया, और अब हमारा इतना बड़ा पतीला हमने लिया चावलों के लिए कि कोई चलो दो चार मेहमान आ जाए तो उसमें तकरीबन 2 किलो चावल बन जाए। अब उसको भी साड़ साड़ कर स्वाह कर दिया इन्होंने, तो मेरी इनके साथ बड़ी जंग हुई, लड़ाई हुई कि या तो फिर वो ले आओ टीन जो होता है लोहे का जिसमें घी वाला वो होता है बड़ा, 10 किलो का पता नहीं कितने का होता है, पानी में हाँ, बस। तो भाई वो ले आओ, तो वो यहाँ से मिला ही नहीं। ये पहली बात सुन ले आप, वो टीन खाली नहीं मिला किसी शॉप से, कहते हैं जी हमारे पास टीन होती नहीं। नहीं, वो पहले मतलब कि वो दे देते हैं ना, पहले कभी खुला घी इस्तेमाल होता था ना, वो टीन होते थे तो कोई एक पाव आधा किलो लेने आता था तो शॉपर में डाल के देते थे, तो टीन खाली होते थे तो वो बेच देते थे, लेकिन अब वो दौर ही नहीं। अब तो पाव वाला भी पैकेट है, आधा किलो वाला भी, किलो वाला भी, तो वो चीज नहीं है। तो फिर हम ये लेके आए, तो मुझे लगता है कि बाल्टी भर गई मैं टूटी बंद करके। इतनी देर मैं कंटिन्यू रखता हूँ, जल्दी आ जाना। आपके बगैर पागल मैं एक कदम भी चल सकता हूँ, 10-12 चल लूंगा इंशाल्लाह। तो बात ये है कि मैं ये लेकर आया हूँ, उन्होंने कहा है कि भाई पानी में ऐसे डाल देना, ये कोई हुक वगैरह है जिसमें ना ऐसे करके उसने तो उधर से स्विच लगा देना है, और फिर जब लगा लेना है ना बटन नीचे कर देना है, फिर चेक कर लेना है कि पानी गर्म हुआ है कि नहीं। नो, ऐसा नहीं है। मेरे घर जो पागल इस तरह कर सकते, स्विच लगा के डिश नहीं होने देता, मिटाल मिल है रेल की ट्राली उन्हें सुखाना, मिटाल मिल है स्विच नप देना ट्राली सुन लो कैसे। तो आओ चलते हैं इसको यूज करते हैं, कैसे इस्तेमाल होता है कैसे नहीं होता। ओके आइए, बहुत होशियार, बहुत ऐसे काम मुझसे करवाते हैं। तो सास छोटी है, देख लेना नहीं आएगी मेरी बात तो सुन। अगर आज मैं कैमरा मैन ये नहीं दिखाना। हाँ जी, ओके, अल्लाह खैर करी। नजर नो अंधेरा है, नहीं ये सारा कुछ हो, ये नजर आ गया, होंगे पूरी आ गई, भी अच्छा होगी अड़गी। हाँ, कितने जाऊँ मैं? वाशरूम की कर रहे। चलो जी स्टार्ट, स्टार्ट हो गया है, हूं चेक थोड़ी करना है। हाँ जी, पहले ना हमने लगाया, पहले हमने उधर वॉशरूम में लगाया था ना, तो मैं याद ही भूल गया के वीडियो बनानी है, तो और दूसरी बात के वॉशरूम का जो स्विच है ना वो खराब है, वहां पे पानी ठीक गर्म ही नहीं हुआ,
फिर हमने यहाँ पे आग लगाया, अब फिर से एक बाल्टी गर्म करने लगे हैं क्योंकि उन्होंने नहाना है, अभी तक बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा चलो यही शेयर आपसे कर लेते, तो अब ये गर्म होगा ना तो फिर आपको दिखाएंगे। अच्छा ठंडे नाली नहा लिया, पानी गर्म तो पानी ठंडा, गर्म पानी कर करके ना। ये तकरीबन कोई 10 मिनट हमने ना रखा है, और 10 मिनट में इन्होंने भाई कमाल धुआं ही धुआं उठ रहा है। मतलब कि 10 मिनट के अंदर ना ये गर्म करता है, फुल गर्म कर देता है। अब मैं इसके नहाने लगाऊं तो फिर नहाने के बाद आपको बताता हूँ कितना गर्म है कितना ठंडा है। ओके भाई नहा लिया है, आज बिजली से गर्म हो गए पानी से पहली बार नहाए ना, तो बहुत मजा आया, वैसे बहुत मजा आया। मैंने कहा चलो आप कंघी वाह लेते जो भी समझ गया ना आप, एक हाथ से कंघी थोड़ी सी मुश्किल लग रही, बाकी हो जाएगा हो जा सोनी है बस कर, होगी ये होगी टेंशन ना, होगी कंघी होगी। लॉच तो जनाब ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कैमरा मैन साफ कर लेने दो मिनट, यस कुछ फर्क पड़ा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, आपका भी भला हो जाए हमारा भी भला हो जाए। और मेरी बेगम साहब ने इतनी सुर्खी लगा ली है कि मुझे बस मुँह रतर रतर नजर आ रहा है उसका, बस दिखाता हूँ मैं आप लोगों को दो मिनट, हूं की रही सोहनी है, बार बार शीशा वेखन दी है, बार बार शीशा वेखन दी है। आज हमने सुर्खी लगा ली है, आज हमने काफी दिनों के बाद सुर्खी लगाई है, तो आप बताना सुर्खी कैसी लग रही है। सुर्खी ला लिए, बेस भी मान लिए, सुर्खी मान ली, अखा ने थोड़ा अगे पीछे कर गुर ले, कपड़े सी हो ही पाए माशाल्लाह। हाँ जी कपड़े मेरे पुराने ही हैं, मैंने नया कर लिया तो अभी थोड़ी देर में कपड़े भी पहन लूंगी। ओके हाँ जी, अच्छा जी आपको एक बात बताएंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में यस यस चलो जी, कपड़े चेंज करूंगी ना तो फिर उसके बाद उनको बताएंगे। हाँ जी हम आपको बताएंगे बात, बहुत बड़ा सरप्राइज, मेरी मम्मा बहुत खूबसूरत लग रही है। खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह, नहीं मुझे भी बहुत खूबसूरत लग रही है, खूबसूरत लग रही है, खूबसूरत ओके तारी, मैंने तो बेइज्जती महसूस हुई ना, मेरी मम्मा खूबसूरत लग रही, खूबसूरत केड़ी तारीफ। चलो जी जिंदगी तो फिर मिलेंगे तब, हां जी इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने गबान अपना ख्याल रखें, अपने वाड़ी गवाड़ी का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने वाड़ी गवाड़ी का ख्याल रखें, और सबका ख्याल रखें आप, और सब्सक्राइब भी कर दें, हमारा भी ख्याल रखें, चैनल सब्सक्राइब किया करें ना, ये हमारे ख्याल ही नहीं रखते आज, रखेंगे इंशाल्लाह, नहीं नहीं करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, और आपके टिक आपको मर्जी बोल रहे हो, टिकटॉक आपको टिकटॉक नो यूट्यूब Yes. Okay. उनकी लान लगी तेरी मतलब जी। मैं बोली ना जावा तू मेरी बेगम ही है कि पता नहीं किसे ओदी पड़ी बना वाह ना वे शुक्र है ओ ना उठ कि जा रहे हैं उठ जाके देखिए तो मैं लगता तो मेरी बेगम इथे से अच्छा हां जी क्यों ना बुरके से जानी ने सारी है हां जी बुरका को आज जाना क्योंकि थप्पी ना कुछ जानी होते अल्लाह करम करे पता नहीं की थप्पी जा रही है थिंदा ना रहा माथा पर पागेला वेंदी पे पागेला के हम एक मैसेज देना चाहते हैं जिल्दो जी मैसेज ओ पागेला